नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश एडुटेक में। तो गाइस यार, यूपी स्कॉलरशिप 2021-22 खुशखबरी यह है कि छात्रवृत्ति को लेकर जांच कमेटी जो है वो गठित की जा चुकी है। तो बड़ी अपडेट है इस वक्त की, और छात्रों का आक्रोश जो है वो जारी हो, मतलब कंटिन्यू है, बरकरार है, और स्टेटस लास्ट टाइम फिर से अपडेट होगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आइदर आपकी स्कॉलरशिप आई हो या फिर नहीं आई हो, इट डजंट मैटर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो बिना देरी किए हुए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें और इस वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो गाइस यार, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लंबित छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच करेगी 3 सदस्यीय टीम। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट है 30 अप्रैल 2022 की डेट में, यानी कि आज शाम को जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ तो इस वक्त की ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति संबंधी समस्याओं के निराकरणों को लेकर 3 सदस्यीय समिति जो है गठित की गई है। और क्या मतलब समिति क्यों गठित की गई, इस बात को आप समझो पहले, पूरा मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। देखिए, डीएम डॉक्टर उज्ज्वल कुमार ने बताया कि विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की ओर से इस आशय के प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि उनके द्वारा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किए जाने के बावजूद सभी औपचारिकता जो थी, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बावजूद छात्रवृत्ति जो है वो खाते में अंतरित नहीं हुई। यह भी अवगत कराया गया कि कुछ छात्र जिनका आवेदन बाद में किया गया था उनकी स्कॉलरशिप पहले भेज दी गई। तो इसके कारण देखिए, जो छात्रों का ही डिमांड है और आप लोगों का ही गाइस मेहनत है, और कि टीम जो है वो गठित कर दी गई है, एक 3 सदस्यीय टीम बनाई जा रही है जिसमें ये मालूम चलेगा कि यूपी स्कॉलरशिप में इस बार कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई, क्या कोई चांस है, कोई ऑप्शन है, और क्यों छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिला, इसके बारे में सारा जो भी डाटा है, कहीं घोटाला तो नहीं हुआ, कहीं कुछ मतलब घुसखोरी में तो नहीं चला गया, A to Z सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। गठित समिति द्वारा समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाली छात्रवृत्ति के लंबित प्रकरणों का रैंडम तौर पर सत्यापन कर देखा जाएगा। और आपको सारा कुछ मैं बता दूँ, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, समय नहीं है इसलिए चलिए हम एक और पॉइंट जो है उस पर हम बात करते हैं, और आज के ही न्यूज़पेपर की एक आर्टिकल को दिखाते हैं। जी हाँ, विश्वविद्यालय कैंपस में छात्रवृत्ति के लिए हंगामा धरना। और ये देखिए, हिंदुस्तान मेरठ की बड़ी अपडेट है, छात्रों ने विश्वविद्यालय यानी कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस में सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने छात्रवृत्ति न मिलने पर हंगामा कर दिया। सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र विश्वविद्यालय के बाहर धरना देकर बैठ गए। छात्रों ने अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर वह विश्वविद्यालय द्वारा लगातार फीस का दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया है। छात्रों के अनुसार वे फीस लेने की स्थिति में नहीं है, ना ही छात्रवृत्ति मिली है, और ऐसे में वो तत्काल फीस जो है वो नहीं जमा कर सकते। तो गाइस यार, इसी चीज़ का डर था और यही चीज़ जो है वो सामने निकल के आया है कि छात्र बेचारे जो हैं वो फीस जमा करने में असमर्थ हैं, और छात्रवृत्ति न मिलने के कारण उनका किसी तरह स्टडी को कंटिन्यू कर पाना काफ़ी टफ टास्क होने वाला है। और ऐसे में गवर्नमेंट की जो बड़ी नाकामी है, बड़ी लापरवाही, आप लोग खुद ब खुद सारा कुछ देख ही सकते हो। सब कुछ मैं आपको विस्तार से लास्ट 6 मंथ से मैं बता रहा हूँ, आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आगे भी आपको बताता रहूंगा। जो साथी चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं कर दें, और इस वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको देखिए जो भी बातें बताई जाएंगी वो रियल होंगी, 100% सही होंगी, कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी। तो ऐसे में देखिए, जिस चीज़ का डर था, छात्र कई सारे छात्रों का कहना है सर हम पढ़ाई कर सकते हैं, कि हरगोविंद का कहना है दिस गवर्नमेंट इज इरिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स एजुकेशन विच विल चेंज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री इन गुड एंड एजुकेटेड सिटीजन, बट द टेंशन ऑफ आवर CM इज नॉट टुवर्ड एजुकेशन एंड नॉर हेल्थ। तो यहाँ पर इनका भाई वही छात्रों में आक्रोश है, कमेंट को देखो, छात्रों का कहना है कि गवर्नमेंट की बात करें फिर CM साहब की, ये शिक्षा के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति, इन दोनों पहलुओं में ये इनकी नाकामी जो है वो साफ तौर पे देखी जा सकती है। और मैं कोई अपने मन से बातें नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोग भी इसको अनुभव कर सकते हो, आप लोग भी समझदार हो। बाकी का आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो जाँच वाँच हो रही है ठीक ठाक है कि नहीं। और देखिए, दिन में एक वीडियो या फिर हर दूसरे दिन कोई ना कोई अपडेट जो है स्कॉलरशिप से अगर आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा इस चैनल पे, और कोई भी फेक अपडेट नहीं दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।